नेक्स्ट पॉइंट ग्रेविटेशन में है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑन अर्थ। जैसे ग्रेविटी देखिए वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी, हालांकि पोटेंशियल मालूम है अगर हमें सॉलिड स्फीयर की वजह से, तो देखो सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल अगर हमें सरफेस पे निकालना है या हमें आउटसाइड निकालना है तो हम सारा का सारा मास सेंटर पे ले सकते हैं, याद है ना। और अगर हमें सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है इनसाइड के लिए, क्योंकि इनसाइड वेरिएशन जो है वो पैराबोलिक होता है, डिफरेंट होता है। तो सरफेस पे और एच हाइट पे निकाल लेते हैं कितना होगा। तो मान लेते हैं पार्टिकल यहां है, रेडियस आर ई है, ये एच है और ये हो गया एम ई। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस, सरफेस पे क्या बनेगी, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई। बोलो पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर है। देन अगर हमें एट ए हाइट एच चाहिए हो, एट ए हाइट एच, तो देखो एच हाइट पे पोटेंशियल निकाल लो पहले। जैसे पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना बनेगा, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जीएम अपॉन सारा का सारा मास कहां से ले लो, सेंटर पे, ये माइनस जीएम अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई प्लस एच आएगा निकल के। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई एट ए हाइट एच। देखो अब यहाँ पे एक बात ये लिखते हैं कि अगर एच का वैल्यू आर ई से काफी छोटा है, देखना ध्यान से, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, जी एम एम ई अपॉन आर ई और इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई एंड ब्रैकेट वन प्लस एच अपॉन आर ई एंड ब्रैकेट टू द पावर माइनस वन। और क्योंकि एच बहुत छोटा है तो इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो ये माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई, ठीक है, क्या बचेगा बताओगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एक तो टर्म आएगा जी एम एम ई अपॉन आर ई, माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई, और प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा, दूसरा आएगा जी एम एम ई एच अपॉन आर ई स्क्वायर। देखो तो ये पहला वाला पार्ट जो है वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये तुम ध्यान से देखो तो ये एम जी एच बन गया, ठीक है ना। तो किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं यू सरफेस प्लस एम जी एच। तुम्हें याद होगा हम लोगों ने मैकेनिक्स में वर्क वाले चैप्टर में जहां पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ी थी वहां एम जी एच यूज किया था ना सिर्फ, तो वो एम जी एच यूज हमने इसलिए किया क्योंकि सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने जीरो ले लिया, रेफरेंस ले लिया उसको, क्योंकि पहले भी लिखेंगे बाद में भी लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या इक्वेट करेंगे तो कैंसिल हो जानी है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत जनरली कंजर्वेशन में या पार्टिकल मूवमेंट में नहीं पड़ेगी, हमें चाहिए होता है चेंज कितना होगा, तो चेंज की वैल्यू एम जी एच निकल के आई थी, याद है ना। तो वो एम जी एच क्यों लिखते हैं ये भी क्लियर है अभी ये बात यहाँ पे, पर ध्यान रखना कि ये वैल्यू तभी एप्लीकेबल है जब एच की वैल्यू आर ई से बहुत छोटी है, एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, अदरवाइज अगर हम एच हाइट पे जा रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या बनेगी, या ऐसे कह लें एट अ डेप्थ डी, डेप्थ डी पे पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो पोटेंशियल की वैल्यू इनसाइड का जो फॉर्मूला है वो है माइनस जी एम अपॉन
या माइनस जी एम ई अपॉन टू आर ई स्क्वायर, नहीं टू आर ई क्यूब एंड ब्रैकेट थ्री आर ई स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना, वेयर स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। लेकिन अगर मैं डेप्थ के फॉर्म में लिखना है तो क्या चेंज करना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इन साइड बन जाएगी माइनस जी स्मॉल एम एम ई अपॉन टू आर ई क्यूब ब्रैकेट थ्री आर ई स्क्वायर माइनस आएगा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए डेप्थ डी हो गई, ठीक है ना। पार्टिकल अगर सेंटर पे है, इफ पार्टिकल इज एट सेंटर ऑफ अर्थ, देखो अर्थ के सेंटर पे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ध्यान से देखो क्या आएगा, माइनस थ्री जी एम, माइनस थ्री जी एम एम ई अपॉन टू आर ई आएगा। सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, लेकिन सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी है सेंटर पे। एक बार देख लो मैंने जो भी लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की ड्यू टू अर्थ, हाइट एच पे, सरफेस पे और डेप्थ डी पे, हमें जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी की जहां भी हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह लगाना होगा, या पार्टिकल को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे मूव करना होगा, वहां पे पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का हम लोगों को जनरल मतलब पता है, आया था वहां पे बाइंडिंग एनर्जी, देखो जितने भी रिलेशन लिखे हैं ग्रेविटेशन में वो सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर हम लोग ले रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज, तो वही अर्थ सिस्टम है, तो सारे के सारे फॉर्मूले सेम है। ठीक है, इसने डाउट पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये हुआ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट दी पार्टिकल्स टू लार्ज डिस्टेंसेस। बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स का सिस्टम है, उनके बीच का सेपरेशन अगर हमें इनफाइनाइट करना है, तो उस सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब वो एनर्जी तो हमें उसको देनी पड़ेगी। और इसी तरह से एस्केप वेलोसिटी हम बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी के लिए बोलेंगे इट इज मिनिमम, इट इज मिनिमम स्पीड गिवन टू अ पार्टिकल सच दैट इट एस्केप्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड of earth such that it escapes from
ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, मतलब कहने का कि बाइंडिंग एनर्जी की करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस है माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई, ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी जो होगी तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू सिस्टम, ये पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, तो यही सेम यहाँ भी लगेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम एम ई अपॉन आर ई, ठीक है। इतनी एनर्जी अगर हम पार्टिकल को सरफेस पे दे दें तो पार्टिकल फिर इन्फिनिटी चला जाएगा, पार्टिकल और अर्थ के बीच में सेपरेशन इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, तो हम ये पार्टिकल को, ये पार्टिकल है एम मास, इसको वेलोसिटी दे रहे हैं वी ई, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। तो हम इसको एस्केप वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं जिससे ये अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, इनफाइनाइट सेपरेशन पे। तो हाफ स्मॉल एम वी ई स्क्वायर को जी स्मॉल एम एम ई अपॉन आर ई के इक्वल करेंगे तो देखो यहां से तुम्हें वी ई मिल जाएगा, यानी एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो क्या आता है, ये आएगा टू जी एम ई अपॉन आर ई, और अगर स्मॉल जी के टर्म्स में इसको लिखें तो ये अंडर रूट ऑफ टू स्मॉल जी आर ई आ जाएगा, ये हमको याद रखना है। और अर्थ के लिए ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास है, ठीक है ना। मतलब कि थ्योरेटिकली अगर हम किसी पार्टिकल को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो कर दें तो वो हमेशा के लिए अर्थ से निकल जाएगा, ठीक है ना। थ्योरेटिकली इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना थ्रो करना, प्रैक्टिकली जैसे रॉकेट वगैरह निकलते हैं अर्थ से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो उनके पास खुद का एनर्जी होता है, दे कंटिन्यूसली पुश आउट, ऐसा नहीं कि पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया है। इसके बाद जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ प्लैनेट हैं जहां पे एटमॉस्फियर है, कुछ प्लैनेट हैं जहां पे एटमॉस्फियर नहीं है, जैसे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फियर है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, अब उस टेम्परेचर पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो आरएमएस वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वैल्यू अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से कम है, अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से कम है, यानी कि वो पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल अर्थ सरफेस को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके एटमॉस्फियर में ही है, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है। लेकिन अगर किसी प्लैनेट का टेम्परेचर ज्यादा है तो उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के एस्केप वेलोसिटी से अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर वहां पे एटमॉस्फेयर एब्सेंट होगा, ठीक है ना। तो ये रीजन होगा एटमॉस्फेयर होने का और नहीं होने का। बट ये है कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि वहां पे भी एटमॉस्फेयर आ जाएगा, बट अगेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक करके देखो, ये जो फॉर्मूले अभी हम लोगों ने किए उन्हीं पे बेस्ड है। अच्छा, फॉर्मूले जो लिखे हैं मैंने वो मास के टर्म्स में लिखे हुए हैं, डेंसिटी के टर्म्स में नहीं है, तो अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है ना, करो ट्राई करो। देखो इसमें बात चल रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अ प्लैनेट एंड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ की, मास डेंसिटी प्लैनेट की दी हुई है। तो देखो एक काम करते हैं, पहले ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है यानी जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी बाई आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे रो इन टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो जो जी है वो आर के प्रोपोर्शनल आएगा, इनफैक्ट जो जी है वो रो इंटू
आर के प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहां से हम एक काम करते हैं, जी अर्थ अपॉन जी प्लैनेट को लिखेंगे, रो अर्थ अपॉन रो प्लैनेट इनटू आर अर्थ अपॉन आर प्लैनेट। रखते हैं वैल्यू क्या दी हुई है, तो सरफेस ऑफ प्लैनेट इज रूट सिक्स अपॉन इलेवन टाइम्स जी। तो अर्थ पे जी है और वहां पे है रूट सिक्स जी अपॉन इलेवन इक्वल टू एवरेज मास डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज टू थर्ड ऑफ अर्थ। तो अर्थ का रो ई है, वहां पे टू थर्ड ऑफ अर्थ है, इंटू आर ई अपॉन आर प्लैनेट। तो यहां से एक काम करो, आर प्लैनेट अपॉन आर अर्थ की वैल्यू पता करो कितनी आएगी, आर प्लैनेट अपॉन आर अर्थ कितना बनेगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला स्टेप होगा, एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gr, यानी एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ g इनटू r के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब है कि v प्लैनेट अपॉन v अर्थ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g प्लैनेट अपॉन g अर्थ इनटू r प्लैनेट अपॉन r अर्थ, और इस पूरे का अंडर रूट। तो देखो g प्लैनेट अपॉन g अर्थ हमको मालूम ही है कितना है, जी प्लैनेट अपॉन जी अर्थ है अंडर रूट सिक्स बाई इलेवन, आर प्लैनेट अपॉन आर अर्थ और निकाल लो कितना आया था। ठीक है ना, तो फाइनली ये शायद थ्री आना चाहिए, थ्री किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैल्यू रख के देखो, तो ये थ्री रूट सिक्स अपॉन 22 है क्या, तो इसको हम थ्री रूट टू देखो, थ्री रूट सिक्स अपॉन 22। देख लो क्या आएगा एक बार कैलकुलेशन, आर प्लेनेट अपॉन आर अर्थ थ्री आ जाना चाहिए सॉल्व करके। ठीक है ना, सर थ्री रूट सिक्स अपॉन 22 आ रहा है। थ्री रूट सिक्स अपॉन 22 आर प्लेनेट अपॉन आर अर्थ की वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो ये तो यहां से थ्री इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई होगा, तो ये थ्री आ जा रहा है। नेक्स्ट देखोगे इसमें, देखो ये भी आईटी का ही है, देखो इसमें बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी वी फ्रॉम सरफेस ऑफ स्फेरिकल प्लैनेट। ठीक है, व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट एक्सीलरेशन ड्यू टू प्लैनेट्स ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस। तो पहले यही सॉल्व कर लेते हैं,
तो ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर. तो अगर ये जी बाई फोर हो रही है तो इसका मतलब है h की वैल्यू आर ई के इक्वल है. ठीक है, तो पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो. सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे, माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई. काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर. एच हाइट पे जब पहुंचेगा, इनफैक्ट आर ई हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम ई अपॉन टू आर ई और काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो. तो देखो यहाँ से तुम्हें वी की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर. बोलो और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ टू जी एम ई बाई आर ई. तो एक तरह से लिख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी वी अंडर रूट टू है. तो यहां से एन निकालना तो एन की वैल्यू सीधे सीधे टू आ गई. ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सीधे सीधे आए हुए हैं. देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है. देखो इसमें क्या कह रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ क्रेटर ऑफ मून. मतलब एक तरह से कोई वेल है या कोई गड्ढा है ऐसे बोल सकते हो, आर बाई हंड्रेड डेप्थ का, और उस वहां से बॉडी प्रोजेक्ट किया है विद द एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस. सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी है उससे, तो मैक्सिमम हाइट कितना बनेगा. तो देखो ध्यान से, ठीक है, और यहां से इस पार्टिकल को हम एम मास को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वीई वेलोसिटी से. ठीक है, और वीई कौन सी वेलोसिटी है, तो वीई वो वेलोसिटी है जो इसके सरफेस पे है. तो सरफेस पे वेलोसिटी बनेगी अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, सरफेस का एस्केप वेलोसिटी. और इसको हम थ्रो कर रहे हैं आर बाई हंड्रेड के डेप्थ से. तो हमें बताना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा. तो जब तक इसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाता, तो करना तो सीधा सीधा ये है कि हमें ए से लेके बी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है. अब ध्यान से पहले केयरफुली पोटेंशियल लिख लेते हैं. तो देखो पॉइंट ए पे पोटेंशियल, पॉइंट ए इनसाइड वाला है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल होगा माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर माइनस आर बाई हंड्रेड होल स्क्वायर. ये बनेगा ध्यान से देखो. अब क्योंकि ये आर माइनस आर बाई हंड्रेड है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी. तो माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, अगर इसमें से हम कॉमन ले लें तो ये देखो ध्यान से, ये क्या वन माइनस टू बाई हंड्रेड बन जाएगा, बचेगा. ठीक है, तो देखो इसमें से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस जी एम अपॉन टू आर अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, थ्री माइनस वन प्लस वन बाई फिफ्टी आ रहा है. ठीक है, इसी तरह से पॉइंट बी का पोटेंशियल, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच. अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम इंटू वी ए इज इक्वल टू जीरो प्लस एम इंटू वी बी. वी ए और वी बी की वैल्यू रख दो, वी ई रख दो, वी ए रख दो, वी बी रख दो, और देखो एच निकालना है हमें सॉल्व करके. तो एच की वैल्यू 99 आर आनी चाहिए. देखो ध्यान से, क्वेश्चन सीधा है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन
थोड़ा केयरफुली सॉल्व करो इसको, देखो आ रही है आंसर 99 आ रहा। आ रहा है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं और उसको अलग से लिख देंगे नोट करके। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इनसाइड a smooth tunnel in earth. Motion of a particle inside a smooth tunnel in earth. तो suppose earth ले लेते हैं, ये center हो गया और इसके अंदर हम लोग एक टनल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो टनल है ये सपोज इसके सेंटर से सपोज डी डिस्टेंस पे है, ठीक है। ठीक है, और रेडियस अर्थ का हम लोग आर मालूम ही है, अब देखो अगर टनल के अंदर कोई भी पार्टिकल होगा, लेट से ये स्मूथ टनल है तो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, स्मॉल एम मास का ही पार्टिकल है, और ये पार्टिकल अगर हम एज्यूम करें कि ये टनल का जो सेंटर है, ध्यान से देखना, टनल का जो सेंटर है वहां से ये पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे है टनल के सेंटर से, तो अर्थ के सेंटर से मान लेते हैं डिस्टेंस इसकी कोई स्मॉल आर ले लेते हैं, तो इसके ऊपर जो अर्थ की वजह से फोर्स लगेगा, ध्यान से देखो, तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। देखो क्लियर है या नहीं पहले तो, और इस पार्टिकल का जो मोशन है वो इस लाइन के अलोंग होगा, टनल के अलोंग, तो एक तो फोर्स लगेगा उसके ऊपर अर्थ की वजह से और एक उसके ऊपर आएगा नॉर्मल उस पर इधर से लगेगा टनल से। तो अब अगर हम इसके ऊपर फोर्सेस देखें, ये वाला एंगल अगर थीटा ले लें तो इस पर जो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल जो है वो एफ कॉस थीटा बैलेंस करेगा, और उसको इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो एफ साइन थीटा से मिलेगा। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम फोर्स एफ निकालते हैं कितना होगा, तो F फोर्स इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर ग्रेविटी मालूम है ना हमें, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी M into G इनसाइड की वैल्यू लिखो कितनी बनेगी, तो G इनसाइड हो जाएगा G ME into R upon R cube, देखो। और नॉर्मल अगर चाहिए हो तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी F cos थीटा, और मोशन अगर चाहिए एक्सीलरेशन A से तो इसको लिखेंगे F साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से देखो F की वैल्यू रखते हैं क्या आएगा, ये आएगा जी एम एम ई आर अपॉन आर ई क्यूब। ध्यान से देखो साइन थीटा की वैल्यू बनेगी x अपॉन स्मॉल r एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू ए, तो यहां से तुम्हारा जो एक्सीलरेशन आ रहा है ध्यान से देखो, तो ये आ रहा है जी एम ई
अपॉन आर ई स्क्वायर, नहीं जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब और इंटू एक्स आ रहा है। तो ध्यान से देखो ये जो एक्सीलरेशन है ये प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है और ये टूवर्ड्स मीन पोजिशन है, हेंस लीनियर एस एच एम। तो ये एक खास बात आ गई कि पार्टिकल अगर टनल के अंदर है तो वो पार्टिकल टनल के अंदर लीनियर एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, और अगर हम उस एस एच एम का टाइम पीरियड लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसको लिखेंगे आर ई क्यूब अपॉन जी एम ई, या इसको लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर ई अपॉन जी, ये इसका टाइम पीरियड आएगा। नॉर्मल की वैल्यू निकाली नहीं, जरूरत पड़े तो हम निकाल सकते हैं, देख लो ठीक है ना। अलोंग दी टनल जो इसका एक्सीलरेशन आ रहा है वो एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो उसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इस तरह के तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे कि टनल क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। और ऐसे याद रख सकते हो कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट्स के आसपास है, ठीक है। और दूसरी खास बात ये कि आंसर देखो ध्यान से, तो डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्मॉल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी टनल हो उस टनल को एक एंड से दूसरे एंड जाने में 42 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली लगेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। बट अभी ये क्वेश्चन में ही है, प्रैक्टिकली इस तरह का टनल पॉसिबल नहीं है अर्थ में, ठीक है ना। अदरवाइज तो एक साइड से दूसरे साइड जाना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखते हैं अभी।